हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आपके पास जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है की जो वैकेंसीज है वो अनाउंस हो चुकी है। हर एक सब्जेक्ट से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा वैकेंसी जो आपके पास निकली है, और आई होप आप सभी ने फॉर्म भी फिलअप कर दिए होंगे। वी आर अकेडमी आपके लिए ऑनलाइन प्लस साथ में रिकॉर्डिंग कोर्सेज यहाँ पे लेके आई है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड होगी, प्लस लाइव के साथ क्लासेस रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी मिलेगी। साथ में आपको उनकी पीडीएफ फाइल्स भी प्रोवाइड होगी, साथ में उनके एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्लियर? एंड इसी से रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूसली आपके टेस्ट भी होंगे वीकली, एंड साथ में आपको टेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड होंगे, ताकि आप अपनी जो स्टडी कर रहे हैं उसको जज कर सकें कि कितनी आपकी तैयारी जो है उसमें हुई है। अब इसमें आपके पास पीजीटी फिजिक्स हो गई, आपके पास पीजीटी केमिस्ट्री हो गया, पीजीटी मैथ्स आपके पास हो गया, एंड टीजीटी में आपके पास टीजीटी मैथमेटिक्स के जो बैचेस हैं वो 15 तारीख से शुरू हो जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इनको ज्वाइन करना चाहते हैं, या उनकी कोई क्वेरीज हैं ज्वाइन कैसे करना है या कोर्स से रिगार्डिंग, वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8894521554 के ऊपर कॉन्टैक्ट करके जो है अपनी डिटेल्स ले सकते हैं, और जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी उनको यहाँ पे मिल जाएगी। 8894521554 आप इसके ऊपर कॉल भी कर सकते हैं, या ये व्हाट्सएप नंबर भी आप इसके ऊपर मैसेज भी डाल सकते हैं कि आपको जिस भी कोर्स से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी अगर आप कोर्स के जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उनके ऊपर भी अगर आप क्लिक करते हो, तो वहाँ से भी, या वी आर अकेडमी की जो एप्लीकेशन है जो आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जो है अपने कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कोर्सेज आपको वी आर अकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर ही प्रोवाइड होंगे। आइए जानते हैं इसमें आपको कौन कौन सी क्लासेज मिलेगी। इसमें आपको फुल पैकेज है जिसमें आपको सारी क्लासेज प्रोवाइड होगी। कोर्स की फ़ी जो है 50% डिस्काउंट के साथ है आपके पास अभी, यानी जो फ़ी है आपके पास वो टोटली 800 है, सॉरी 8000 है आपके पास, लेकिन जो अभी आपके पास फी आपको देखने को मिलेगी वो आपके पास ओनली 4K आपको देखने को मिलेगी, यानी 4000 जो है आपको देखने को मिलेगी। प्लस साथ में इसमें और ज़्यादा डिस्काउंट ऐड किया गया है फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको जो है 500 का कूपन कोड यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है, जो कि आपको एप्लीकेशन में आपके कोर्स के अंदर दिख जाएगा। जैसे ही कोई स्टूडेंट उसके ऊपर क्लिक करता है वो ऑटोमेटिकली डिड्यूस हो जाता है, 99 हो जाएंगे। कोई भी एक स्टूडेंट उसको दो बार यूज़ कर सकता है किसी भी दो कोर्सेज के अंदर। तो आपको जो अभी फ़ी पे करनी पड़ेगी वो आपके पास 3500 है, और इसको आप दो इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं। तो टू इंस्टॉलमेंट्स 2000 2000 की आपके पास होगी, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में आपके पास कूपन कोड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जो भी इंस्टॉलमेंट्स के साथ लेना चाहता है तो वो डायरेक्टली जो है 4000 के अकॉर्डिंग अपनी टू इंस्टॉलमेंट सबमिट करवा सकता है। बाकी इसमें हर एक सब्जेक्ट आपके पास चलेगा विद इन 1 एंड 2 डेज के अंदर। जो आपका क्लासेस का पैटर्न है वो भी एप्लीकेशन में सबमिट हो जाएगा, एंड जो भी इससे रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉल करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग डेट आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आपके पास जो कोर्स है वो रेगुलर चल पड़ेगा। 2 एंड 3 मंथ के अंदर हम अपना जो सिलेबस है उसके टारगेट को पूरा करेंगे, एंड उसके बाद उनका रिविजन करेंगे कॉन्टिन्यूस वे में। इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन होगी, आपके पास पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी मैथमेटिक्स आपके पास हो गया, पीजीटी केमिस्ट्री आपके पास हो गया, क्लियर, एंड टीजीटी मैथमेटिक्स, इन तीनों के क्लासेस आपके पास चलेगी। बाकी आपके पास सिलेबस है तो ये आपके पास होस्टन वार्डन का सिलेबस है, तो जिन्होंने होस्टन वार्डन के फॉर्म भरे हैं वो भी कॉन्टेक्ट कर सकता है आपके पास। एंड इसमें इंक्लूड होगा आपके पास जनरल अवेयरनेस, तो यहाँ पे तो सिंपल सिलेबस है आपके पास, एंड जो आपका टीजीटी का सिलेबस है, जैसे अगर टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो पीजीटी के लिए सिलेबस मेंशन किया गया आपके पास जो जर्नल है, ये कॉमन सिलेबस है, ठीक है, ये कॉमन सिलेबस है उनमें। तो जर्नल सिलेबस यानी आप दो टेस्ट अगर भरे हैं आपने टीजीटी के पीजीटी के, तो दोनों के लिए आपके पास यहीं से वो टर्म कवर हो जाएगी, है ना, सेम सिलेबस है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी ये पीजीटी का सिलेबस है जो आपके पास, इसमें जर्नल अवेयरनेस के 10 आएंगे। यही मैं अगर टीजीटी की बात करूं तो टीजीटी में भी आपके पास 10 है, रीजनिंग के टीजीटी में 10 है आपके पास, नॉलेज में यानी नॉलेज ऑफ आईसीटी तो इसमें भी 10 है, और ये भी 10 है, सिर्फ यही डिफरेंस है, ये 20 की जगह 10 है, और यहाँ पे ये 80 है, तो ये भी आपके पास यहाँ पे 80 मार्क्स यहाँ पे मैंशन किए गए हैं। क्लियर?
और इसको थोड़ा सा उन्होंने डिवाइड कर दिया पैडागॉजी पोर्शन में, तो टोटल जो है आपके पास टीजीटी में ये 120 बनते हैं और यहाँ पे आपके पास ये 130 बनते हैं जो पीजीटी का केस है, क्लियर। बाकी जो आपके पास फोर्थ सॉरी फिफ्थ टर्म्स हैं उन्हीं के आपकी मैट बनेगी इन तीनों के बेसिस पांचों के बेसिस के ऊपर। जो आपके पास सिक्स्थ पोर्शन है आपके पास टीजीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो आपके पास पीजीटी उसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। एंड लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज दोनों में ही आपके पास जस्ट एक क्वालिफिकेशन के लिए है, तो पीजीटी में 20 है आपके पास, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें 40% आपको जो है वो नंबर लेने पड़ेंगे, ठीक है। यानी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 8 क्वेश्चन यहाँ पे सही होने चाहिए 20 में से, यही आपके पास है ना। करके देख लो आपके पास इसका 40% ही बन जाएगा, यहाँ से इसको काटो यहाँ से इसको काटो, ठीक है, ये 10 हो गया, यहाँ से काटो 4, 40 आ गया। यानी आपके पास जो 8 क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए। देखने में लगता है कि जी इजी है लेकिन टफ टास्क है, क्योंकि अगर आपका जो सिक्स्थ पोर्शन है वो क्लियर नहीं होगा तो आपके अपर पोर्शन को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, यानी आपको पहले इसको भी क्लियर करना है फिर इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आपके पास आगे, ठीक है। फिर आपके जो अपर है 130 में से ही आपकी मैट लिस्ट है वो जनरेट होगी। एंड जो आपके पास टीजीटी है सेम पैटर्न है, यहाँ पे 120 है आपके पास तो यहाँ पे 130 है, यहाँ पे 20 है तो नीचे 30 कर दिया गया है, यानी टोटल 150 ही बनेंगे दोनों में, लेकिन यहाँ पे 30 है तो 40% का क्राइटेरिया यहाँ पे भी रखा गया है। यानी यहाँ पे आपको अराउंड 12 क्वेश्चन जो है वो सही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 30 में से 12 करना एक इजी पैटर्न लग रहा होगा आपको, लेकिन 8 में से या 20 में से 8 करना थोड़ा टफ लग रहा होगा, है ना। परसेंटेज सिस्टम है थोड़ा आपके पास वेरी कर जाता है, क्लियर। बाकी सिलेबस डिटेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है कि सभी क्लासेस के लिए सभी, यानी आपके पास जो सब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव का अलग अलग सिलेबस है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे सब्जेक्टिव के लिए अलग अलग है सारा, ठीक है। पैडागोजी सभी में आएगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या क्या चेंजेस आए वो भी सभी में आएंगे। टीजीटी में एक दो चीज़ें न्यू है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ एजुकेशन कमीशन आपके पास हो गए तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन में डिटेल में आपके पास डाली गई है, जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहता है विद डिस्काउंट वो हमारे साथ यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। एंड अगर कुछ स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस से रिगार्डिंग है या फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है वो भी हमारे साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट जो हम प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो जो है अपने कोर्सेज को ज्वाइन कर सकें और आगे जो है वो प्रोसीड कर सकें, क्लियर। चलिए तो मिलते हैं आपके पास जल्दी ही नेक्स्ट लाइव क्लासेस में, जो आपके पास लाइव क्लासेस साथ में रिकॉर्ड भी हो जाती है तो उनको आप बाद में भी देख सकते हैं। थैंक यू।